जय जिनेन्द्र, कैसे हैं आप सब? आरजू ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप जानने वाले हैं शमी वृक्ष के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है। वैसे शमी वृक्ष पर एक पहले भी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, बहुत सी जानकारियाँ उसमें दी हैं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारी चीज़ें उसमें कवर कर रखी हैं पहले ही। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो उस वीडियो में कवर नहीं की हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे। तो दीपक शमी वृक्ष के नीचे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, छत पर करना चाहिए या नहीं, ये सारी चीज़ें, और शमी वृक्ष को और किन भाषाओं में अलग अलग नाम से जाना जाता है, सारी चीज़ें उसमें आपको मिल जाएंगी। तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज के टॉपिक पर आते हैं। शमी वृक्ष जब आप घर लाते हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। देखिए, ये बहुत ही विचित्र बात है कि वास्तुशास्त्री शमी वृक्ष के बारे में एक ही बात कहते हैं कांटेदार वृक्षों के बारे में, कि उन्हें घर में नहीं लाना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें बुद्धि विवेक से भी उपयोग में लानी चाहिए कि शमी वृक्ष पूज्य है, पीपल वृक्ष पूज्य है, इनके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है, इनके पीछे और ऐसे क्या तथ्य हैं, क्या कारण हैं कि किस वजह से इनको घर में नहीं लाना चाहिए। पीपल वृक्ष की अगर बात करें तो पीपल वृक्ष की जो जड़ें होती हैं वो इतनी जल्दी फैलती हैं कि वो हमारे घर की बीम को, हमारे घर की नींव को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इसी वजह से घर में, और दूसरी चीज़, पीपल वृक्ष इतना शुद्ध, क्योंकि पीपल में बहुत से देवी देवताओं का वास होता है और हमारे घरों में उतनी शुद्धता नहीं होती है, इसीलिए कहा जाता है कि पीपल वृक्ष को कभी भी घर में या घर की छत पर अगर है भी तो उसे वहां से हटा देना चाहिए। मेन यही कारण होता है। आपने देखा होगा बरसों पहले, आज भी गाँव में, घरों में, जिनके कच्ची मिट्टी के जिनके घर हैं उनके आंगन में आज भी पीपल वृक्ष हैं और वो उनको पूजते भी हैं, उनको कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। इसका मेन कारण ये नहीं है कि पीपल वृक्ष पर दूसरी आत्माएं होती हैं या कुछ ऐसी नकारात्मक चीज़ें बहुत हैं फैलाने वाले हैं। इन चीज़ों पर आप ध्यान ना देकर साइंटिफिक रीज़न को देखिए कि क्या कारण है, किस लिए मनाही की जाती है। गहराई तक अगर जाएंगे तभी आप चीज़ों को अच्छे से जान पाएंगे। बिना जाने कोई भी कुछ कहे आप मानते जाइए, अंधविश्वास में पढ़ते रहिए और जो कोई कह दे वैसा आप करते जाइए, तो इसका कोई लॉजिक नहीं है। शमी वृक्ष कांटेदार है लेकिन ये पूज्य भी है। शनि देव अति प्रसन्न होते हैं, शनि देव का वास इनमें माना जाता है। कहा जाता है कि शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शमी वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए, शमी वृक्ष के तले दीपक अवश्य करना चाहिए। भोलेनाथ को भी शमी पत्र अति प्रिय है, तो जब भी शिवलिंग पूजन करें तो भगवान शिव को शमी पत्र ज़रूर चढ़ाएं, बहुत जल्द मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ पर एक कमेंट आया था पिछली वीडियो में कि शमी का पौधा नहीं होता है, वृक्ष होता है, बहुत बड़ा होता है। तो उन महानुभाव को ये पहले जान लेना चाहिए कि कोई भी पौधा, कोई भी वृक्ष पहले पौधा ही होता है, फिर उसे सींचा जाता है, तब वो जाकर बड़ा होता है, फिर वो वृक्ष बनता है। तो घर में जब अगर लाया जाएगा तो वो पौधा ही लाया जाएगा। और जिस प्रकार से आप बच्चे का पालन पोषण करते हैं, उसी प्रकार से एक पौधे का जब पोषण करते हैं, उनको अपने हाथों से सींचते हैं, तो उससे एक लगाव भी बन जाता है, एक प्यार की भावना बन जाती है। तो फिर अपने आप जो ये सारी वास्तुशास्त्र के हिसाब से नकारात्मकता अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। सबसे बड़ी बात तो ये है, जब कोई चीज़ आप लाकर खुद उसे सींचते हैं, उसे वृक्ष बनाएंगे, तो फिर उससे एक लगाव अपने आप बन जाएगा, फिर आपको उसमें कांटे भी नज़र नहीं आएंगे। तो सबसे पहले बात कर लें कि शमी वृक्ष किस दिन लाना चाहिए। शमी वृक्ष घर में शनि पुष्य नक्षत्र को लेकर आएँ। अगर शनि पुष्य नक्षत्र आप नहीं जानते तो शनि पुष्य नक्षत्र अभी इन दिनों में नहीं पड़ रहा, गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन भी आप ला सकते हैं। इसका विशेष कारण है, देखिए, पुष्य नक्षत्र के देवता हैं बृहस्पति देव और इस नक्षत्र के दिशा प्रतिनिधि हैं शनि देव, अर्थात
पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि देव हैं जो दिशा निर्देश देते हैं और इनके देवता हैं बृहस्पति। तो दोनों ही मिलकर चाहे आप शनि पुष्य नक्षत्र को लाएं या गुरु पुष्य नक्षत्र को लाएं, शुभता आपको दोनों में ही मिलेगी। इसलिए शमि वृक्ष गुरु पुष्य नक्षत्र में लाएं या शनि पुष्य नक्षत्र में, दोनों का ही आपको एक जैसा ही शुभ फल मिलने वाला है। इसके अलावा शनि अमावस्या और विजयदशमी, विजयदशमी पर शमि का पौधा घर लाते हैं तो ये आपकी तरक्की का प्रतीक माना जाएगा, आपकी तरक्की के द्वार खुल जाएंगे अगर आप विजयदशमी के दिन घर में शमि का पौधा लगाते हैं। तो शमि वृक्ष को पूर्वी दिशा में ईशान कोण में रख सकते हैं या फिर दक्षिण पश्चिम स्थान में आप सबसे बेहतर रख सकते हैं। देखिए, शमी वृक्ष आप घर में लाते हैं उससे पहले आपको ये निश्चित कर लेना है, इस चीज़ को अपने दिमाग में रख लेना है कि जहाँ पर भी आप शमी वृक्ष का पौधा लगा रहे हैं, रख रहे हैं, वो स्थान बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसके आसपास कहीं पे भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। और हाँ, सफ़ेद आँख भी अगर आपके घर में है तो शमी वृक्ष के पौधे को सफ़ेद आग के साथ ही रखें। पुरानी कथाओं के अनुसार शमी मदार पति पत्नी हैं और दोनों पौधों के आसपास तुलसी के पौधे ज़रूर रखें। ऐसा करने से अगर आपके मन में या किसी ने भी आपसे कह दिया या आपने कहीं सुन लिया पढ़ लिया कि घर में कांटेदार या दूध युक्त पौधे नहीं रखने चाहिए, अगर ऐसा आपके मन में कहीं आशंका आ भी जाती है तो वास्तु के हिसाब से पड़ने वाले सभी कुप्रभाव तुलसी पौधे के पास होने से नष्ट हो जाते हैं। हाँ, दूसरी बात, पौधा छत पर रखें, घर के अंदर कभी मत रखें। इस चीज़ का आपको ध्यान अवश्य देना है कि अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि नकारात्मकता है इसमें, वैसे तो नहीं है क्योंकि कोई भी वनस्पति नुकसान नहीं देती अगर उनका सही से उपयोग किया जाए, फिर भी अगर आपके मन में ऐसा कोई विचार आता भी है, घर के अंदर आप ना रखें, छत पे रखें, जो दिशा निर्देश दिया गया है उस दिशा में रखें। घर के अंदर ना रखने का एक अन्य रीज़न और भी है कि इनको पूरा धूप हवा पानी चाहिए, जब तक इनको ये पूरा इनका खाना नहीं मिलेगा तब तक ये सर्वाइव ही नहीं करेंगे, तो इसीलिए इनको छत पे रखना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ एक चीज़ और बता दूँ आपको, आपके घर में कोई और भी कांटेदार अगर पौधा लगा है, कैक्टस है या एलोवेरा का है या और भी गुलाब का पौधा लगा है, तो आप ये इधर उधर की बातें सुन के घबराएं नहीं, उनके आसपास तुलसी के पौधे रख दीजिए, तो उनकी जो भी नकारात्मकता आपको लगता है कि हाँ नकारात्मक ये प्रभाव पड़ सकता है, तो तुलसी दल, तुलसी का पौधा इन सभी नकारात्मक प्रभाव को ख़त्म कर देता है, तो आप ये कार्य कर सकते हैं। और ऐसा करने से आपके घर में वास्तु दोष भी अगर है तो वो भी समाप्त होगा। अब जान लेते हैं पूजा के नज़रिए से, पूजा पाठ के नज़रिए से आप क्या देखते हैं। देखिए, अगर आप शमी का पौधा पूजा करने के लिए घर में ला रहे हैं तो नित्य रोज़ सुबह उठकर अपना स्नान आदि करके काले तिल से युक्त जल चढ़ाएं, धूप दीप आदि करें, फूल आदि चढ़ाएं, भोग लगाएं, भोग किसी भी चीज़ का लगा सकते हैं, मेवे मिश्री का भोग लगा सकते हैं, गुलाब जामुन का भोग लगा सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो वो आप भोग लगा सकते हैं। फिर इसके बाद सरसों के तेल का दीपक अवश्य करें और जो भी आपके मन में इच्छा है, मनोकामना है या नित्य प्रति आप निस्वार्थ भाव से भी पूजा कर सकते हैं, ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें। लेकिन अगर आप पूजा के निमित्त घर में शमी वृक्ष का पौधा नहीं ला रहे, एज ए गार्डनर आप ला रहे हैं, फिर आपको कुछ विशेष करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें, साफ़ सफाई बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि कुछ वृक्ष कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा महत्व है हमारे हिंदू धर्म में, तो बिल्कुल भी निंदनीय कार्य नहीं करना है। जो भी कार्य करें हमारे अपने हिंदू धर्म को ध्यान में रखते हुए कार्य करें, कि शमी वृक्ष, आग का वृक्ष या पीपल वृक्ष, ये सभी वृक्ष पूजनीय हैं, तो इनका आदर करें, सम्मान करें। अगर आप पूजा नहीं भी करते तो कम से कम आदर सम्मान करें, बेवजह काटे नहीं, तोड़े नहीं, इनकी उपेक्षा ना करें।
कहने वाले तो कहते हैं आग के पेड़ से निकलने वाला दूध जहरीला होता है, जहर होता है, लेकिन यह दूध अगर तरीके से सेवन किया जाए तो बहुत से बड़े रोगों का निवारण भी करता है। तो आंख बंद करके अंधविश्वास आप ना करें, जो भी करें बुद्धि का उपयोग अवश्य करें। अब शमी के वृक्ष की बात ही ले लीजिए, शमी का वृक्ष कांटेदार ज़रूर है लेकिन इसमें लगने वाली फलियां राजस्थान में बहुत मशहूर हैं, जिन्हें सांगरी कहा जाता है। खेजड़ी, जांटी का पौधा, जांटी का पेड़ कहा जाता है, इसे राजस्थान में इतना मशहूर है। और शीतला सप्तमी के दिन जो होली के बाद बांसुरा बनता है उसमें इसी खेजड़ी, इसी जांटी की फलियों की सब्जी बनाकर शीतला माता को भोग लगाया जाता है। तो इतना विशेष महत्व है इस खेजड़ी, इस शम्मी प्लांट का। इनसे डरे नहीं, मन में भय ना बिठाएं, बल्कि इनकी पूजा करें। जिनकी कुंडली में शनि ग्रह या शनि की सारे साथी चल रही है, शनि ग्रह अनुकूल स्थिति में नहीं है, उन्हें तो शमी वृक्ष की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, शमी वृक्ष घर में है, दीपक आप कर सकते हैं, लेकिन घर में शमी वृक्ष पर तेल कभी ना चढ़ाएं, क्योंकि शनि देव की प्रतिमा ना तो घर में स्थापित की जाती है और ना ही तेल चढ़ाया जाता है। तो शमी वृक्ष पर अगर तेल चढ़ाना चाहते हैं तो आपके घर के आसपास कहीं पे भी शनि मंदिर होगा, वहाँ पे आपको शमी वृक्ष ज़रूर मिलेगा, वहाँ पर आप तेल ज़रूर चढ़ाएं, जिससे शनि देव की शुभता प्राप्त हो सके। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारी आपको देने की कोशिश की है, तो ज़रूर इस वीडियो को आप अच्छे से समझिएगा। इन वृक्ष पौधों को देखकर आपकी भावनाएं क्या कहती हैं, ये ज़रूर विचारें। तो चलिए आज की जानकारी में इतना ही। आपके घर में अगर पहले से शमी वृक्ष है और आपके क्या अनुभव रहे हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि जो भी इन कमेंट्स को पढ़ेंगे बाकी लोगों को भी इनसे अनुभव मिलेंगे कि हाँ वाकई में ये वनस्पतियाँ हमें नुकसान नहीं देती हैं। क्योंकि खुद हमारे घर में भी शमी वृक्ष भी है, आक का वृक्ष भी है, इमली का वृक्ष भी है और साथ ही साथ एलोवेरा भी है। तो कांटेदार पौधे हैं, कोई नुकसान नहीं है कुछ भी। ये वनस्पतियाँ, ये पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, ये हमें जीने की हमें ऊर्जा देते हैं, इनको देखकर हमें खुशी मिलती है, सबसे बड़ी बात ये। और मन प्रसन्न तो सब प्रसन्न, इसलिए मन की सुनिए। तो अपने अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर करते रहें कमेंट बॉक्स के ज़रिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव नॉलेज आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। जय जिनेंद्र।